लोग के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई नेटवर्क को बदनाम ना करो, नेटवर्क को बदनाम ना करो। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है जिसमें आपको रोजगार देने के लिए, लाइबिलिटी फ्री करने के लिए, टेंशन फ्री, माइंड फ्री, इन्वेस्टमेंट फ्री एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग को या जिस कंपनी को काम करते उसको इतना ज्यादा दिखा देते हैं ना कि वो लाइबिलिटी में आ जाती है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा आंख से देखा हुआ है। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी और ऐसे लीडर हैं महीने का 500 नहीं कमाते हैं लेकिन दिखाते हैं कि महीने का 50,000 कमाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना क्या कहते हैं जगह जमीन बेच करके भी गाड़ी लेते हैं तो कहते हैं कि हमको इस कंपनी ने दिया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि अपना घर का संपत्ति बेच के या कुछ करके आप कुछ खरीदो और नाम कंपनी का दो। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना जल्दी इतना सक्सेस नहीं हो रहा है कि आप 6 महीना से काम करो और मर्सिडीज जगुआर खरीद लो। ये सबके साथ नहीं होता, रेयर केस एक दो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो कमाने वाले ज्यादा हो तो ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं, ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, प्रैक्टिकल में बात करते हैं। अगर कोई उनको चैलेंज कर दे तो अपना बैंक पासबुक से बात करते हैं, ना कि जुबानी। लेकिन ये मेरा फील्ड का देखा हुआ है। तो ऐसे लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आप नेटवर्क को बदनाम ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर का बिजनेस है जिसमें लोग अपना करियर बनाने आ रहे हैं और आप बनने से पहले उनका बिगाड़ रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें नए युवक लोग जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है कि आपस में सब चंदा करके सामने वाला को अगर मोटरसाइकिल नहीं तो मोटरसाइकिल खरीदवा दो, और क्या भाई कंपनी ने दिया। अरे भाई तुमने आज ज्वाइन किया, क्या ऐसा काम कर दिया कि कंपनी ने तुमको गाड़ी दे दिया। तो इस तरह का ना दिखावा में पड़े ना ही दिखावा करे, क्यों? इससे नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होती है और आप और हम सब बदनाम हो जाएंगे। तो इस तरह का मतलब काम से परहेज करेंगे और आप जो ईमानदारी से काम करें, इनकम करें, उसी को लेकर के चलेंगे और उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ये मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक मतलब तरीका बता रहा हूँ जिससे ज़्यादा आप शो अप नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आए टेंशन फ्री बिजनेस करने के लिए, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आपका स्ट्रगल बहुत होगा, रिजेक्शन बहुत होगा, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप रिजेक्ट ही हुए। रिजेक्ट कौन हुआ? जिसने आपको रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो अपना काम देखेगा। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हो तो आप सक्सेस होंगे। जो छोड़ दिया, जो रिजेक्ट किया, वो अपने आप को रिजेक्ट किया। तो इससे कभी मायूस मत होना। और एक चीज याद रखना, आप जो रिजेक्ट कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी हो, आपका टीम मेंबर हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कल सेलेक्ट करेंगे आपको। जानते हो उसका कारण क्या है? भले आपकी जुबान पे हनी हो या ना हो, पास में हनी हो ना हो, पॉकेट में मनी होना चाहिए। जिस दिन आपके पॉकेट में मनी आ गया ना, पास में हनी भी होगी और जुबान चाहे जैसा भी हो, सामने वाला को हनी ही लग जाएगा। तो इस चीज पे फोकस करना कि हमारे पास में मनी हो। और ये मनी आएगी कब? जब जुनून होगा, ईमानदारी होगा और आप लगे रहेंगे, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही करो जिससे आप अपने जनरेशन तक को सिक्योर कर पाओ। देख सुन करके एक अच्छे लीडर के साथ, एक अच्छे कंपनी के साथ, एक अच्छे सीएमओ के साथ स्टार्टअप आप कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बिजनेस। थैंक यू।